इंडियन न्यूज 24 आवर। सर्वोच्च न्यायालय में आज सर्वोच्च स्तर की राजनीति हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज वोट हो गया जो भारत में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। न्यायाधीश आज खुद याचिकाकर्ता बन गए और न्याय की गुहार लगाने लगे और पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के चार मायलॉड्स को इस रूप में देखकर हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जज आज मीडिया की अदालत में आ गए और सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रुतबा है। सुप्रीम कोर्ट देश के हर छोटे बड़े मुद्दे में जरूरी हस्तक्षेप करता है और लोग भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसने सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। हमारे देश में बात बात पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का जिक्र होता है, लेकिन आज इसी शब्द की गंभीरता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। भारत में लोग बड़े विश्वास के साथ ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज इसी विश्वास को धक्का लगा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के चार मुख्य स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। लोकतंत्र के तीन स्तंभों पर बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन एक स्तंभ विवादों से अब तक दूर रहा है और वो है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। लेकिन आज हमारे देश की न्यायपालिका पर भी सवाल उठ गए हैं और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने उठाए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीड़ा बता रहे थे। इन चार जजों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरा देश हैरान हो गया। भी आज दोपहर से ये पूरी खबर देख रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चला होगा कि इन जजों की परेशानी क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए आज हम साधारण भाषा में आपके लिए न्यायपालिका का ये पूरा विवाद डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको इन चार जजों के नाम बताते हैं। इनके नाम हैं जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुरा और जस्टिस कुरियन जोसेफ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद ये चारों जज सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। आज दोपहर में इन चारों जजों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चारों जजों ने आज से दो महीने पहले जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखी गई एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की। इस चिट्ठी में जजों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन जजों ने लिखा है कि वो इस चिट्ठी को बहुत ही चिंता और पीड़ा के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ऐसे फैसले दिए गए जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावित हुई है और इन फैसलों से हाई कोर्ट्स की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ी है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि कौन से जज या बेंच को कौन सा केस दिया जाना है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है और केस के हिसाब से ही वो बेंच या जज तय करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में पक्षपात हो रहा है। इन जजों ने लिखा है कि चीफ जस्टिस को ये विशेष अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट का काम अनुशासन में रहे और काम अच्छी तरह हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस की अपने साथ ही जजों के ऊपर कोई लीगल या सुपीरियर अथॉरिटी है। इन जजों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और वो ये है कि देश के न्याय शास्त्र में ये बात स्थापित है कि सभी जज बराबर हैं और मुख्य न्यायाधीश इनमें सबसे पहले हैं। वो न तो किसी जज से ज्यादा हैं और न ही कम। जजों की शिकायत है कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा व्यवस्था में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब मुख्य न्यायाधीश ने देश को प्रभावित करने वाले मामलों को अपनी पसंद की बेंच को रिफर कर दिया। सात पन्नों की इस चिट्ठी में जजों ने लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को शर्मनाक स्थिति से बचाने के लिए इन मामलों के बारे में नहीं बता रहे हैं और ये भी कहा कि अगर वो आज अपनी जुबान बंद रखेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कुल मिलाकर आज ऐसा लग रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज याचिकाकर्ता बन गए हों और न्याय की गुहार लगा रहे हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन जजों के पास यही आखिरी विकल्प था? क्या इस विवाद का हल निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं था? इन जजों का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मिलकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की और आज सुबह भी वो चीफ जस्टिस से मिले थे, लेकिन जब इसका हल नहीं निकला तो वो जनता की अदालत में आए हैं। यहाँ सवाल ये है कि अगर देश भर के हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के जज भी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाने लगे तो फिर क्या होगा? आज तक न्यायपालिका पर कभी भी सवाल नहीं उठे हैं।
लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत से डिजाइनर वकीलों और नेताओं को खुश होने का मौका दे दिया है। जजों के इस टकराव पर देश में राजनीति शुरू हो चुकी है और इस टकराव को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे भारत का लोकतंत्र खतरे में हो। लेकिन आज शाम को एक ऐसी तस्वीर भी आया जिसके बाद जजों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठने लगे। ये तस्वीरें सीपीआई के नेता डी राजा की हैं। आज डी राजा ने जस्टिस छेलमेश्वर से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। हो सकता है कि जस्टिस छेलमेश्वर और डी राजा एक दूसरे को पहले से जानते हों, लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने डी राजा जैसे राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात क्यों की। हालांकि डी राजा का कहना है कि वो चाहते हैं कि जजों की नाराजगी के इस मामले पर संसद में बहस हो। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है और कहा कि केंद्र सरकार का न्यायपालिका में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को हवा दी, यानी अब नेता इस विवाद का पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे विवाद से खुद को दूर रख रही है। सरकार का मानना है कि ये न्यायपालिका का आपसी विवाद है और इससे जजों को भी निपटना चाहिए। आज दिन में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। जब ये चारों जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जस्टिस छेलमेश्वर और जस्टिस गोगोई आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके पीछे खड़ी एक महिला रिपोर्टर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। लेकिन जस्टिस छेलमेश्वर ने उस महिला रिपोर्टर को टोक दिया और उसे ये भी बता दिया कि वो उनकी बातें सुनने की कोशिश न करें। देश की न्यायपालिका पर इस वक्त बहुत बोझ है। आंकड़ों के मुताबिक 2016 तक पूरे देश की अदालतों में करीब 3,15,00,000 केस लंबित थे। इनमें से 40,00,000 से ज्यादा मामले हाईकोर्ट में और करीब 2,75,00,000 मामले निचली अदालतों में लंबित हैं, जबकि 1 नवंबर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में 55,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस को मिलाकर 25 जज हैं, जबकि उनकी संख्या 31 होनी चाहिए। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर काम का बहुत बोझ है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश और इन चार जजों के बीच का विवाद इतना कैसे बढ़ गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए हुए घूसकांड के मामले में बड़ी बेंच गठित करने के जस्टिस छेलमेश्वर के एक आदेश को रद्द किया था। इसके पीछे जस्टिस दीपक मिश्रा का तर्क ये था कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित करने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। जस्टिस छेलमेश्वर ने इस घूसकांड के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के गठन का आदेश दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जस्टिस छेलमेश्वर का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले को दूसरी बेंच को भेज दिया था। मुख्य रूप से इसी घटनाक्रम के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस छेलमेश्वर के बीच विवाद हुआ। हालांकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये विवाद मीडिया की अदालत में पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। इन जजेस ने अपनी कुछ आपत्तियां एक चिट्ठी में लिखी थी और वो चिट्ठी मुख्य न्यायाधीश को दे दी थी। वो चाहते तो चीफ जस्टिस से एक बार और मिलने की कोशिश कर सकते थे, बातचीत की प्रक्रिया को और मौका दे सकते थे और संतुष्ट न होने पर राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन जजों ने खुद ही मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से न्यायपालिका पर आम आदमी के अटूट विश्वास को भी गहरा झटका लगा है। बहुत बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखकर लोगों ने ये कहा है कि शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट है, और इसी वजह से पूरे देश के लोगों की सुप्रीम कोर्ट में अटूट आस्था है। लेकिन आज के घटनाक्रम से लोगों के इस विश्वास को ठेस पहुंची है। देश के इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच सीधा टकराव रहा हो। पिछले 30 वर्षों में ताकत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रधानमंत्री या संसद से ज्यादा असरदार था, और इसकी वजह ये थी कि 2014 सेकंड पहले के 30 वर्षों में देश में कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। इस दौरान हमेशा गठबंधन की सरकारें रहीं और इसी वजह से हर छोटे बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बना रहा। आखिरी बार 1984 में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और उस वक्त उन्हें लोकसभा की 404 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद देश में गठबंधन की सरकारें रहीं।
पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने की वजह से प्रधानमंत्री और सरकारें कमजोर रही और सुप्रीम कोर्ट मजबूत रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। लोकसभा में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी और यही वजह है कि सरकार मजबूत है। और इसी वजह से पिछले 3 वर्षों में हमें कई बार सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव भी देखने को मिला है। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खारिज कर दिया था। 2014 के एनजेएसी एक्ट को असंवैधानिक बताया था और जजों की नियुक्ति के कलीजियम सिस्टम को बरकरार रखा था। यहां आपको बता दें कि कलीजियम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे वरिष्ठ जजों का समूह, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। इसके अलावा 2016 में जब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाकर फ्लो टेस्ट करवाने का आदेश दिया था, जिसमें कांग्रेस जीत गई थी और हरीश रावत एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। और फिर जुलाई 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया था। ये वो मामले थे जिनमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच सीधा टकराव देखने को मिला था। हमारे देश के सिस्टम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना करने की आदत बहुत पहले से लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों का हमारे देश के सिस्टम और लोगों ने पालन नहीं किया। दिल्ली में यमुना के किनारे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यमुना के किनारे धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। प्रदूषण को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, लेकिन इन आदेशों का भी पालन नहीं होता। यहां तक कि पिछले वर्ष दिवाली से पहले दिल्ली और एनसीआर में पटाखे बेचने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन दिवाली पर पटाखे बेचे गए और जलाए भी गए। यानी हमारे देश का सिस्टम और यहां के लोग बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते रहते हैं। हमारे देश में दबी जुबान में ये कहा जाता है कि जुडिशरी में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन कोर्ट की अवमानना के डर से कोई भी ये बात खुलकर नहीं बोलता था और ना ही ये बात मीडिया में सामने आती थी। लेकिन आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना जैसा शब्द खुद ही अपमानित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जिस तरह मीडिया की अदालत में आ गए, उससे कई सवाल उठते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ ये 4 जज हैं, या फिर इन जजेस के पीछे भी कोई और बड़ी ताकत है? इस पूरे मामले पर हमारी नजर है। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि ये सब क्यों हुआ। हमारे देश में दाबी जुबान में ये कहा जाता है कि जुडिशरी में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन कोर्ट की अवमानना के डर से कोई भी ये बात खुलकर नहीं बोलता था और ना ही ये बात मीडिया में सामने आती थी। लेकिन आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना जैसा शब्द खुद ही अपमानित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जिस तरह मीडिया की अदालत में आ गए, उससे कई सवाल उठते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ ये 4 जज हैं, या फिर इन जजेस के पीछे भी कोई और बड़ी ताकत है? इस पूरे मामले पर हमारी नजर है। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि ये सब क्यों हुआ।